खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और 7i न्यूज को सब्सक्राइब करिए। लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी हलचल तेज हो चली है। कांग्रेस में सीटों को लेकर जबरदस्त मंथन किया जा रहा है। कांग्रेस ने अभी तक 4 लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन मध्य प्रदेश में अभी तक एक भी उम्मीदवार की घोषणा नहीं हुई है। हालांकि कुछ नामों पर सहमति बन गई है, लेकिन सर्वे के बदले समीकरण के बाद गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के नाम पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। इस बीच मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस 22 से ज्यादा सीटें जीतेगी। वहीं दिग्विजय सिंह के चुनाव लड़ने पर उन्होंने कहा कि दिग्विजय सिंह सबसे कठिन सीट से चुनाव लड़ेंगे। मोदी को हिटलर मोसिन की तुलना किया, भैया कहेंगे सर? अब दिग्विजय सिंह जो गए वो गए, उनसे पूछे इस तरह अधूरे कर्म आते तो क्या है? लगभग 22 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ आचार संहिता के कारण। अब इसमें रोक आई आचार संहिता के बाद, जो हमने कहा था सब किसानों का 2 लाख तक का कर्जा माफ होगा, होगा होगा होगा, ये हमारा वचन है। हमने तो 60 दिन में चालू कर दिया कर्जा माफ करने का, और मध्य प्रदेश के 22 लाख किसान आज गवाह हैं। आचार संहिता के बाद मध्य प्रदेश के 50 लाख किसान गवाह होंगे कि उनका कर्जा माफ हुआ है। सर, मध्य प्रदेश में लोकसभा जो इलेक्शन हो रहा है, उसमें कितनी सीटों की एक्सपेक्टेशन है सर? हमारी अधिक से अधिक कम से कम 22-23 सीटों की हमारी दिग्विजय सिंह को खुद तय करेंगे, पर उनसे मैंने निवेदन किया कि वह सबसे कठिन सीट अगर वो चुनाव लड़ना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश की 2-3-4 जो कठिन सीटें हैं जो हम पिछले 30-35 साल से भी जीते, वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। सर, टिकट वितरण कब तक हो जाएगा? अगले 3-4 दिन में, क्योंकि अभी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने उन प्रदेशों का कर रही है जो फर्स्ट फेज में है, सेकंड फेज में है, थर्ड फेज में। हमारा मध्य प्रदेश तो 4वीं फेज में है, सब क्या किया जाए। सर, इस बार इस लोकसभा चुनाव का मुख्य मुद्दा क्या होगा कांग्रेस का? कि कांग्रेस ने पिछले 85 दिनों में जो अपनी नीति और नियत का परिचय दिया है, ये हम जनता के सामने रखेंगे। साथ साथ जो मध्य प्रदेश की जनता को ठगा है पिछले 5 साल में केंद्र में एनडीए की सरकार ने, और पिछले 15 साल में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राज्य में गई उन्होंने। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी कमलनाथ के बयान का समर्थन करते हुए भाजपा के गढ़ वाली सीट से दिग्विजय सिंह को चुनाव लड़ने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जिन सीटों पर हम कई सालों से जीत नहीं पाए, वहां मजबूत प्रत्याशी उतारना कांग्रेस का लक्ष्य है। सिंधिया ने खुद के चुनाव लड़ने पर कहा कि मैं कहां से चुनाव लड़ूं, ये कांग्रेस अध्यक्ष को तय करना है। मैं सांसद कहीं से भी रहूं, लेकिन विकास पूरे प्रदेश का करूंगा। विदा करने के लिए तैयार हो चुके हैं। कश्मीर से कन्याकुमारी से गुजरात एक ही आगाज कर रहे हैं। जहाँ तक मध्य प्रदेश की बात है, हम लोग पूर्ण रूप से तैयार इस चुनावी मैदान और इस चुनावी समर में जनता का झंडा का आगाज करने का। मैंने आपको पहले भी कहा था विधानसभा के चुनाव के समय ये कांग्रेस की सत्ता की लड़ाई है, जनता के लिए नहीं आई। और आज राष्ट्र स्तर पर भी मुद्दा यही है जो राहुल गांधी उठा रहे हैं। कांग्रेस एक राजनीतिक दल नहीं, एक क्रांति है, और न्याय लाना, विकास लाना, प्रगति लाना, यही एकमात्र हमारा लक्ष्य है एक एक राज्य। सर, पूरी सीटें जीतने के लिए फॉर्मूला लाए हैं कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता बड़े नेता हैं, ऐसे सीट पर होकर जो बीजेपी को गड़बड़ जाती है। देखिए, ये नीति तो कांग्रेस हाईकमांड तय करेगी, लेकिन स्पष्ट रूप से ये जरूर सही भी है कि उन सीटों में जहाँ कई सालों से हम नहीं पाए, वहाँ मजबूत उम्मीदवार हम बनाए, ये हमारा लक्ष्य है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ जो महत्वपूर्ण नतीजे आए हैं, उसके आधार पर कांग्रेस की मजबूत नींव प्रदेशों से बनेगी, इस बात का पूर्ण विश्वास है। और उसके लिए स्थानीय स्तर पर जहाँ
कार्यकर्ताओं को मजबूती से हमने खड़ा किया है, प्रत्याशी भी हमें मजबूत खड़ा करना होगा, जैसे विधानसभा चुनाव में हमने किया। आपका लगातार चल रहा है ग्वालियर से, आपका नाम चल रहा है। मैंने ये पहले भी कहा है, आज भी कहा, कह रहा हूँ मैं कहाँ से लड़ूं, ये कांग्रेस अध्यक्ष तय करेंगे। मेरा एक ही लक्ष्य है और वो है विकास और प्रगति। मैं गुना का सांसद रहा हूँ, मेरा सौभाग्य है गुना का सांसद रहते हुए पूरे मध्य प्रदेश में प्रगति लाने की कोशिश की। मैं सांसद जहाँ से भी रहूँ, मेरी प्राथमिकता संपूर्ण मध्य प्रदेश सदैव। सर चौकीदार जो कैंपेन था आपका, चोरे उसे मोदी जी ने हथियार बना लिया। मैं चौकीदार से बना दिया। ये तो वही स्थिति हो गई कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जिस सरकार ने कहा था कि 15 लाख हम खाते में पहुंचाएंगे, जिस सरकार ने कहा था कि भ्रष्टाचार का समापन हम करेंगे, आप लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं कि मध्य प्रदेश में जो भाजपा सरकार रही है इनके 4.5 सालों में अभी 3 महीने पहले ही जनता ने विदा किया, लेकिन मोदी जी ने मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार को विदा नहीं किया था 4.5 सालों। तो स्वयं ये कहना कि मैं भी चौकीदार हूँ, किस बात की स्पष्टीकरण है कि जिनके राज में भ्रष्टाचार का एक नया आयाम तैनात किया गया, 30,000 करोड़ रुपए रफेल के सौदे में एक उद्योगपति को दिया गया, राष्ट्रीय सरकार के फाइलों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि प्रधानमंत्री कार्यालय ने रक्षा मंत्रालय का कार्य पूर्ण रूप से अपने हाथ में ले लिया, ये 70 साल के इतिहास में कभी देखा है? मोदी जी ठीक कहते हैं कि हमने किया है जो कांग्रेस ने 70 साल में नहीं किया। कांग्रेस ने कभी भी किसी भी मंत्रालय के कंट्रोल को अपने हाथ में नहीं लिया, जैसे अभी वर्तमान में मोदी जी की पीएमओ ने रक्षा मंत्रालय का पूर्ण कंट्रोल अपने हाथ में लेकर, फाइल भी रक्षा मंत्रालय से निकला है कि पीएमओ पूर्ण मसौदे पर अपना कमान संभालने की कोशिश कर रहा है। प्रश्नों का जवाब तो नहीं आ रहा कि 500 करोड़ रुपए का एयरक्राफ्ट 1600 करोड़ रुपए में कैसा खरीदा गया। प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा कि 126 एयरक्राफ्ट की डील को कैसे 36 एयरक्राफ्ट तक आपने तैनात कर दिया, और जो 62,000 करोड़ रुपए में यूपीए सरकार 126 एयरक्राफ्ट ले रही थी वो आप 63,000 करोड़ में केवल 36 एयरक्राफ्ट क्यों ले रहे हो? इस प्रश्न का जवाब नहीं है कि मेक इन इंडिया का क्या हुआ, जो मेक इन इंडिया की बात करते थे मोदी जी, कि उसमें पूरी मेक इन इंडिया की पॉलिसी ही खारिज की गई। तो भ्रष्टाचार हो, मेक इन इंडिया का मट्टी पलीत हो, राष्ट्र की खजाने की राशि एक उद्योगपति के हाथ में चला जाए, रक्षा मंत्रालय के पूरे सिस्टम पर कंट्रोल किया जाए, इन सभी प्रश्नों का कोई जवाब नहीं, और उल्टा कहते हैं कि कहना चाहिए कि सब लोग चौकीदार हैं। ऐसे चौकीदार होंगे तो देश और घर की रक्षा कहां से होगी? सर बीजेपी ने